वेलकम। सो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि किसी भी प्लांट के लिए लोकेशन सिलेक्शन कैसे करते हैं। आई मीन व्हाट आर द फैक्टर्स डिसाइडिंग लोकेशन ऑफ अ प्लांट। तो पहली बात कि लोकेशन सिलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन क्यों है। दूसरी बात कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एक प्लांट का लोकेशन डिटरमाइन करने में रोल निभाते हैं। लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं, लोकेशन सिलेक्शन का डिसीजन कैसे लेते हैं और भी बहुत कुछ। पहली बात कि प्लांट क्या है। तो एक प्लांट वो जगह है जहाँ पे मैन यानी कि लेबर, मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल, मनी यानी कि फाइनेंस, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सारे चीज़ों को एक जगह ला के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करने में काम लगाते हैं। दूसरा कि प्लांट का लोकेशन तब क्या है। तो एक प्लांट का लोकेशन ये है कि वो प्लांट कहाँ लगेगा। ऐसी जगह लगना चाहिए जहाँ पे जितने भी रिसोर्सेस चाहिए वो इजीली अवेलेबल है। अब वो रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं, तो रिसोर्सेस हो सकते हैं आइदर वो पैसा हो या फिर लोग हो या फिर रॉ मटेरियल हो, मशीनरी हो, पानी हो, बिजली हो और भी देखेंगे आगे। अच्छा, एक लोकेशन को चुनना इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन क्यों है। ऐसा इसलिए है, रीज़न ये है कि इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमता है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो एक मैन्युफैक्चर करने में एक प्रोडक्ट को जो पैसे लगते हैं वो कम हो जाते हैं यदि आपका लोकेशन सही है, तो प्लांट का लोकेशन सही है। तो और क्या फ़र्क पड़ता है भाई, तो फ़र्क पड़ता है इट अफेक्ट्स द प्लांट लेआउट डिसीजन। तो प्लांट का क्या लेआउट होगा। प्लांट का बहुत सारा लेआउट होता है, प्रोसेस लेआउट होता है, प्रोडक्ट लेआउट होता है और उन सब का अपना प्रोज है, अपना कॉन्स है। तो उसमें से कौन सा लेआउट होगा वो भी कई हद तक डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन सिलेक्शन कैसा है। और क्या फ़ायदा होता है इससे लोकेशन सिलेक्शन अच्छा करने से, एक और फ़ायदा होता है कि इट हेल्प्स इन टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोडक्ट्स का जो कंप्लीशन है वो टाइम से हो जाए वो भी लोकेशन सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। क्योंकि कंप्लीशन मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट बन गया, कंप्लीशन मतलब प्रोडक्ट बन के क्लाइंट के पास पहुंच गया, आई मीन जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसके पास पहुंच गया, तब उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगला है कि इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सच एज मैन, मटेरियल, मशीनरी, ईटीसी। तो अगर आपका लोकेशन सिलेक्शन सही है तो आपका जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, वो गुड क्वालिटी के होंगे, अच्छे क्वालिटी के होंगे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है अच्छे से, जैसे कि इंसान हुआ, चीज़ें हुई, मशीनरी हुई जो प्रोसेस करेंगे। अगला है इट इनडायरेक्टली इंक्रीजेस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। डायरेक्टली तौर पे दिखता नहीं है बट इनडायरेक्टली अगर आप उनको टाइमली डिलीवरी दें, क्वालिटी बढ़िया हो, तो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है बढ़ जाता है। इन दिस डिसीजन द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ब्लॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये लाइन का कहने का मतलब ये है कि लोकेशन सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। थोड़ा सा चूक जो एक बार, थोड़ा सा मिस्टेक जो एक बार हो जाएगा लोकेशन सिलेक्शन में, उसको सुधारना एक बहुत बड़ा चीज़ है। आई मीन द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है एक प्लांट को सेटअप करने में, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि आप लोकेशन सिलेक्शन जो कि फर्स्ट स्टेप है उसी में यदि आप गलती करते हैं तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस गलती को लेकर ही होल टाइम चलना पड़ता है। और भी बहुत सारी है। तो प्लांट का लोकेशन का जो डिसीजन है उसको फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो दो तरह के डिसीजन है। एक है प्राइमरी फैक्टर्स जो कि लोकेशन के डिसीजन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और दूसरा है सेकेंडरी फैक्टर्स जो कि इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं लोकेशन का डिसीजन से। तो देखते हैं प्राइमरी फैक्टर्स क्या क्या है। तो पहला प्राइमरी फैक्टर्स है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, आई मीन जो कच्चा माल है, कच्चा माल जो है वो गुड क्वालिटी का मिले, कम कीमत पे मिले, नज़दीक में मिले और रेगुलरली मिले विदाउट गैप, ठीक है, तो बढ़िया होता है। आप अपने आसपास के जितने इंडस्ट्री हैं उन सबको देख लो, जितने हैं वो बेसिकली जहाँ पे ओर अवेलेबल है या फिर रॉ मटेरियल अवेलेबल है उससे नज़दीक में ही है, ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लो रानीगंज कोल बेल्ट जो है, उसके आसपास में जितने पावर प्लांट्स है या फिर स्टील
प्रोसेसिंग प्लांट है, रोलिंग मिल्स हुआ, या फिर टेम्परिंग, या फिर हार्डनिंग, या फिर फर्नेस हुए, जितने स्टील प्रोसेसिंग प्लांट है या फिर पावर प्लांट्स हैं, ये सब रानीगंज कोल बेल्ट के इर्द गिर्द ही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोयला और आयरन ओर जो है दोनों रेडिली अवेलेबल है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है, रेगुलर सप्लाई रहता है, ठीक है, और गुड क्वालिटी भी मिलता है। या फिर आप मान लो कि जैसे कि एल्युमिनियम का जो प्लांट्स है, हिंदाल्को, आई मीन हिंद एल्युमिनियम हुआ, या फिर नालको हुआ, ये सब जो है उड़ीसा झारखंड में है, इधर उड़ीसा में है या फिर झारखंड में है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयरन ओर जो है, आई मीन सॉरी एल्युमिनियम ओर जो है वो अबंडेंट है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच जाता है, उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता और रेगुलर सप्लाई रहता है, ठीक है। इसी तरह जो कॉपर बेल्ट्स जहाँ पे है, वहीं पे जो है हम लोग के कॉपर वायर या फिर कॉपर के जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, इक्विपमेंट्स बनते हैं, वो वाली इंडस्ट्री वहीं पे है। या फिर मान लो अगर आपको शुगर मिल इस्टेब्लिश करना है, तो वो उसी आसपास बनेगा जहाँ पे गन्ने की खेती जो है बहुत मात्रा में होता है, तो उससे क्या होता है जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट भी घट जाता है। और किस चीज़ पर डिपेंड करता है भाई? तो और डिपेंड करता है नियरनेस टू द मार्केट। आपको प्रोडक्ट बना के उसको रखना ही नहीं है, उसको बेचना भी है, ठीक है, और खरीदेगा कौन, कहाँ बेचा जाएगा भाई? तो वो मार्केट में बेचा जाएगा, जहाँ पे कस्टमर्स आएंगे, कंज्यूमर्स आएंगे और वो खरीदेंगे। तो मार्केट आपके इंडस्ट्री के जितना नज़दीक रहेगी, आपके प्लांट के जितना नज़दीक रहेगी, उतना आपके लिए बेहतर होगा। इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट का आफ्टर फिनिशिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, उसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है टू द मार्केट वो कम हो जाता है। और तो और क्या है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि सर्विसेज जो है वो क्विक हो जाती है, तो मोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन ड्यू टू क्विक सर्विसेज। अब क्विक सर्विसेज मतलब पहले तो वो ऑर्डर किया तो जल्दी पहुंचा सकते हैं, आफ्टर सेल्स सर्विस जो है, यानी कि प्रोडक्ट्स में कोई मान लीजिए डिफेक्ट था, तो उसको भी ठीक करने में कम टाइम लगेगा। अगला जो पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ लोग चाहिए, लोग तो चाहिए ही, लेकिन राइट काइंड ऑफ लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। मान लीजिए कि आपका लाइक एक ईंट भट्टे का फैक्ट्री है, तो आप लाइक किसी को भी देके काम चला सकते हैं, बट अगर आपको कोई एलॉय बनाना है तो वहां पे आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, जो कि उस पार्टिकुलर स्किल सेट में कंप्लीटली ट्रेंड हो, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पे प्लांट लोकेशन का जो सिलेक्शन है काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि आप किसी वैसे जगह पे उस तरह का लेबर, स्किल्ड लेबर नहीं पा सकते जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन ना हो, जहाँ पे अच्छी एमिनिटीज ना हो, तो आपको अर्बन या फिर सब अर्बन एरिया में ही जाना पड़ता है। अब ये आईटी इंडस्ट्री के लिए इजी है, क्योंकि उनको ज़मीन कम चाहिए होता है, तो कॉस्ट भी बचता है, और एक दो बिल्डिंग वाले कैंपस से उनका काम हो जाता है। बट अगर आपको मान लीजिए स्टील प्लांट लगाना है या फिर कोई पावर प्लांट लगाना है, तो उसके लिए आपको एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए, और वो अर्बन इलाका में पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे सब अर्बन या फिर रूरल ही प्रेफर किया जाता है, और कोशिश किया जाता है कि जितनी भी एमिनिटीज़ है, अर्बन एमिनिटीज, उसको उसी जगह पे ले आया जाए, मार्केट वार्केट सब वहीं पे क्रिएट किया जाए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ राइट काइंड ऑफ लेबर एट राइट काइंड ऑफ प्राइस इज इम्पॉर्टेंट। अगला जो है वो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि राइट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है लो प्राइस में अवेलेबल हो तो बेहतर है, वो आपके कंपनी के लिए भी बेहतर है, कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतर है, ठीक है, हायर ऑफिशियल्स एज वेल एज लेबर, उनके लिए भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। आप अपने आसपास के जितने भी इंडस्ट्रियल इलाके हैं जिनमें बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ हुआ है, उन सबको यदि नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा चीप है, या फिर थ्रू आउट द ईयर उसमें कोई भी डिसरप्शन नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस चल पाता है, वैसा कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उस जगह पे होगा ही होगा। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए हल्दिया हुआ, पारादीप हुआ, ये सारे जगहों पे पोर्ट हैं। अब इस सारे जगहों पे पोर्ट आने से पहले इंडस्ट्रीज उतनी नहीं थी, बट जैसे ही पोर्ट आ गया उसके बाद इन सारे जगहों पे इंडस्ट्री का बहुत जल्दी से विकास हुआ, बहुत जल्दी से बढ़ा। और क्या हो सकता है उस
कंपनी के इर्द गिर्द, आई मीन जो प्लांट है उसके इर्द गिर्द यदि रेलवे हो, रेलवे लाइंस पहुंची हो, तो बेहतर होता है, ताकि आप जो ओर है, आई मीन रॉ मटेरियल है, वो भी डायरेक्ट आप कंपनी के भीतर ही, आई मीन जो रेलवे वेगन्स है वो घुस जाएंगी, वहाँ पे अनलोडिंग हो जाएगी। जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको भी बाहर पहुँचाना है, वो भी डायरेक्ट कंपनी के अंदर से ही लोड होके बाहर जा पाएंगी। तो रेलवे भी एक अच्छा फैक्टर है, क्योंकि लैंड ट्रांसपोर्ट में रेलवे सबसे सस्ता और ट्रस्टेबल मीडियम है। और मीडियम क्या हो सकता है? रोड इम्पॉर्टेंट है। रोड बेसिकली लेबर्स के लिए हुआ, या फिर आपके कंपनी के लिए भी, क्योंकि आप सब कुछ रेलवे से नहीं भेज सकते, तो आपको रोड भी इम्पॉर्टेंट है। और किसी किसी कंपनी के लिए फ्लाइट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको कम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, या फिर आपका प्रोडक्ट जो है कम साइज छोटा है, वेट छोटा है, इवन बड़ा भी पहुंचाया जा सकता है, जब यदि आप एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ मान लीजिए आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है, या फिर बहुत दूर है, टाइम कम चाहिए हुआ, तो उस केस में एयर स्पेस का, आई मीन एयरलाइंस का होना भी आपके कंपनी के लाइक 1 आवर और 2 आवर डिस्टेंस के भीतर, प्लांट के 1 आवर 2 आवर डिस्टेंस के भीतर वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना भी ज़रूरी है। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर। तो फ्यूल एंड पावर आर नेसेसरी फैक्टर्स फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सो प्लांट लोकेशन मस्ट बी लोकेटेड नियर कोल बेड्स बेड्स एंड पावर इंडस्ट्री। यानी कि कोई भी कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी क्या किसी भी मामूली चीज़ को चलाने के लिए आपको फ्यूल या फिर पावर चाहिए ही, वो आइदर कोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक हो सकता है। अब जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वर्ल्ड में, मान लो कि हम लोग का कोई एलॉय प्रोसेसिंग प्लांट हुआ, पावर प्लांट हुआ, या ऑटोमेटिव, आई मीन जो ऑटोमेटिव प्लांट हुआ, इन सारे प्लांट्स में जो जिसमें आर्क फर्नेस या फिर इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस होते हैं, या फिर मान लो कि आपके पास जहाँ पे एलुमिनियम प्रोसेस होता है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ह्यूज अमाउंट में ज़रूरत है, वो भी कॉन्टिन्यूस ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप दिन के 4 घंटे मिले, बाकी घंटे ना मिलने से भी हो, ना कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो एल्यूमिनियम प्लांट है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, या फिर स्टील प्लांट है तो वहाँ पे फर्नेस चलाने के लिए, जो आर्क फर्नेस है उसको चलाने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, वो भी आई मीन कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए। इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस हुआ, इसको भी चलाने के लिए कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए। तो उस जगह पे एक प्लांट लगाना फेवरेबल होता है, जहाँ पर पावर इजिली अवेलेबल हो, आइदर थ्रू एक्सटर्नल कंपनी जो कि आपसे पैसे लेती है और आपको प्रोवाइड करती है, या फिर आपका खुद का अपना कैप्टिव पावर प्लांट हो। कैप्टिव पावर प्लांट मतलब वो पावर प्लांट आपने स्पेशली अपने प्लांट के लिए डिज़ाइन किया है, वो आपके प्लांट के भीतर हो सकता है या फिर प्लांट से कुछ दूरी पर हो सकता है, बट वो किसी और को पावर सेल करने के लिए नहीं होता है, अनलाइक अदर कंपनीज, वो आपके कंपनी को ही, आई मीन आपके प्लांट को ही चलाने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था, और वो कॉन्टिन्यूस चलता है। तो आपके पास यदि कैप्टिव पावर प्लांट हो तो बहुत बेहतर, और नहीं हो तो आपका प्लांट उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे कोल बेड नज़दीक में है, ताकि ट्रांसपोर्ट करके मंगाया जा सके, या फिर उस जगह पे पावर रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। अगला जो भी पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंडस्ट्री हो बिना वाटर के चल ही नहीं सकता। बेसिकली पानी चाहिए ही चाहिए, फ्यूल तो जरूरी है ही, साथ में पानी भी चाहिए। बहुत सारे प्रोसेसेस है, मान लीजिए आपने गर्म किया फिर बाद में ठंडा करना है तो वहाँ पानी लगेगा, क्लीनिंग के लिए पानी लग सकता है, या फिर बहुत जगह पानी का ज़रूरत है। तो बेसिकली प्लांट वैसे जगह पे होते हैं, आप लाइक देखे होंगे कि इंडस्ट्री जितने हैं वो रिवर के आसपास होते हैं, ठीक है। अच्छा, पानी भी ऐसा नहीं कि कोई भी पानी होने से चलेगा, सी वाटर ना सूटेबल नहीं है, सॉफ्ट वाटर होना चाहिए, उसको एक जगह स्टोर करके रख पाया, यदि स्टोर किया जा सके तो ज़्यादा बेहतर है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है, पानी का जो उपलब्धता है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगला जो है वो है सूटेबिलिटी ऑफ लैंड। आप किसी भी लैंड पे एक प्लांट नहीं बैठा सकते, और लैंड जो है प्लेन हो तो ज़्यादा बेहतर हो, वहाँ का टोपोग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का सॉइल कैसा है, ये सब
काफी इम्पोर्टेंट है, काफी इफेक्ट करता है कि आपका प्लांट वहां पे लग सकता है कि नहीं। और भी बहुत सारे प्राइमरी फैक्टर्स हैं, बट ये सारे ज्यादा जरूरी हैं। अब सेकेंडरी फैक्टर्स में पहली जो फैक्टर है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। आप किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी कंट्री में जब आप एक प्लांट लगाने जाते हो तो आपको दो चीज़ें देखनी होती है, एक कि सेंट्रल जो वहाँ का गवर्नमेंट है उसका पॉलिसीज कैसा है, दूसरा कि वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका पॉलिसीज कैसा है। तो आपको वहाँ का जो लोकल एग्जिस्टेड गवर्नमेंट पॉलिसी है, जैसे कि लाइसेंसिंग पॉलिसी हुआ या फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज हुआ, गवर्नमेंट बेनिफिट्स हुआ, आपको एक रूरल या फिर अर्बन एरिया में लगाने के लिए जो सब्सिडी मिलता है, गवर्नमेंट से लोन मिलता है, वो सब हालांकि छोटा अमाउंट ही है लेकिन इनिशियल टाइम में जब आप एक प्लांट को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तब वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर निभाता है, आपको काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, पॉलिसीज जो है वहाँ की, टैक्स कैसा है, ये सब भी काफ़ी मैटर करता है। अच्छा, बहुत सारे स्टेट हैं कि रूरल इलाके में लगाने के लिए आपको ज़्यादा सब्सिडी मिलेगा, लगाएंगे तो आपको ज़्यादा सब्सिडी देगा, अर्बन में लगाएंगे तो कम देगा, तो वो भी जो फैक्टर है वो काफ़ी इफेक्ट करता है कि आपका प्लांट लोकेशन कहाँ पे होगा। और अगला पॉइंट क्या है, वो है सूटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत बड़ा फैक्टर है किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए वो इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर में या फिर लेदर में या फिर टेक्सटाइल में, तो यहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी असर देता है क्योंकि वो जो है रॉ मटेरियल्स को इफेक्ट करता है, आप ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इफेक्ट करता है, इवन कि लेबर का इफिशियंसी कैसा होगा, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, उस पर भी डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए कि एक्सट्रीम ह्यूमिड या फिर ड्राई कंडीशन है तो वहाँ पे प्लांट लगाना मुश्किल है क्योंकि आपको फाइनली आइदर प्रोडक्ट को बचाने के लिए, रॉ मटेरियल को बचाने के लिए या फिर लेबर को लाइक इफिशियंसी बढ़ाने के लिए आपको HVAC का यूज़ करना होगा, AC लगाना होगा, कुछ भी लगाना होगा, तो वो कॉस्ट बढ़ाता है और जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी भी इफेक्ट करता है। तो क्लाइमेट अच्छा खासा फैक्टर है आपका प्लांट लोकेशन डिटरमाइन करने में। अगला जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, पैसे। पैसा किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो आइदर आपको स्टेट फंड कर रहा है, कॉरपोरेट फंड कर रहा है या फिर क्लाइंट्स दे रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो पैसा यदि आप बहुत दूर हैं, मान लीजिए क्लाइंट आप पे भरोसा नहीं कर सकता या फिर आपका कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको शुरुआती फंडिंग जो है, फाइनेंस जो है, वो मिलने में असुविधा होगा। तो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज अनदर फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर, बट इट्स अ गुड फैक्टर। फिर आता है कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टेट्स। एक कंट्री में दो स्टेट यदि हैं तो वो डिफरेंट सब्सिडीज देते हैं, उनका डिफरेंट पॉलिसीज है रिगार्डिंग अ कंपनी, जो टैक्सेस है लोकल टैक्सेस वो डिफरेंट है, तो बहुत सारी स्टेट क्या करती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बुलाने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स बुलाने के लिए सब्सिडीज देती हैं, बेनिफिट्स देती हैं। ठीक है, तो हालांकि ये इंसेंटिव्स जो पैसे हुए या फिर छूट हुए ये उतने बड़े नहीं हैं लेकिन ये फर्म को उसके स्टार्टअप स्टेज में बहुत मदद करता है। तो अगर स्टेट्स के बीच में कंपटीशन है तो सब्सिडी बढ़ेगा, वो जो आपको छूट मिलता है, ठीक है, सब्सिडी जो मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो अगर स्टेट्स के बीच में कंपटीशन है तो उस टाइप के स्टेट्स में आपका प्लांट लोकेशन होना ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़। तो फैसिलिटीज़ होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक जो एमिनिटीज़ है एक ह्यूमन। अच्छा, एक बात देखिए कि पावर कोई भी प्लांट हुआ, अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो उसको रूरल इलाके में लगाना होगा, लेकिन लोग रूरल इलाके में या फिर जो स्किल्ड लेबर है वो रूरल इलाके में रहना नहीं चाहेगा, तो आपको क्या करना होगा कि वो सारी सुविधाएं देनी होंगी जो उसको एक शहर में मिलेगा। क्या क्या है भाई वो बेसिक सुविधाएं, वो है स्कूल होना चाहिए जो लेबर है उसके बच्चे के पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए, रहने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए, हाउसिंग, रिक्रिएशन क्लब होना चाहिए, इधर वो स्पोर्टिंग क्लब हो, कुछ भी हो, तो ये सारे जो है वर्कर्स को जो आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उनको आपके कंपनी में ही रहने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो आपको प्लांट लोकेशन सेलेक्ट करने के दौरान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो अदर बेसिक एमिनिटीज हैं वो सारे भी प्रोवाइड करनी ज़रूरी होती है, तो उसके लिए भी जगह चाहिए। तो
तो प्लांट लोकेशन बेसिकली सिटी से, मेन सिटी से ज़्यादा दूर नहीं बनाते, ताकि वहाँ पे, या फिर आप वहीं पे एक सिटी डेवलप कर दीजिए ताकि लोगों जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनको किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो, तभी वो आपके कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ या फिर एमिनिटीज़ एक अच्छा खासा फैक्टर है। अगला फैक्टर है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। आपका कंपनी कुछ भी हो लेकिन वो वेस्ट प्रोड्यूस करेगी ही। तो अगर कोई केमिकल, शुगर या फिर लेदर इंडस्ट्री है, तो इन सारे पावर प्लांट भी जो है, इन सारे कंपनीज का जो है वेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आइदर उसको आप किसी वाटर बॉडी में डंप कर, डंप कर रहे हैं, या फिर आप मिट्टी के नीचे अंडरग्राउंड डंप कर रहे हैं, या फिर लैंड माइंस फिल कर रहे हैं उस वेस्ट से, क्या कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लांट लोकेशन में इस चीज़ का प्रोविज़न ज़रूर होना चाहिए कि वेस्ट जो होगा वो कैसे डिस्पोज किया जाएगा। वो गवर्नमेंट रूल्स जो है, ISO सर्टिफाइंग जो रूल्स हैं, या फिर मान लीजिए UN का जो कन्फर्म्स है, उन सबको मानते हुए वेस्ट को डिस्पोज करना है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए NTPC जो है, वो जो एसेस बनती हैं कोयला को जलने के बाद, उसको वो फिर से डिस्पोज कैसे करती है, उसका ईंट बना लेती है। ठीक है,